इंटर्नशिप प्रोग्राम अच्छे इंस्टीट्यूशन से हमेशा आपकी प्रोफाइल में 4-5 स्टार रेटिंग लगाते हैं, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग न्यू। और जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स निकालती हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एंड दिस इज़ फॉर फ्रॉम द ICMR कॉल फॉर द एप्लीकेशन। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दिस फॉर्म अगर आप एलिजिबल हो और इस फील्ड से हो। This is then I call for the application ICMR Health Communication Internship Program. May, July तक ये program चलेगा and what is all about this? अगर आप biomedical research से हो so इस program में ज़रूर apply करो because this is one of the best in order to promote your biomedical research concept. तो क्या है ये application process, इसको ज़रूर देख लो। ICMR Health Communication Internship Program, जितने भी interested candidates हैं इसको apply करें। 31st March is the last date। Google form है, इसको apply करना है। selection procedure ये है कि यहाँ पे screening होगी, because देखिए ये बहुत ही selected internship program है। ऐसा नहीं कि जितने लोग apply करेंगे उनको मिल जाएगा, limited seats होती हैं, because ये बहुत अच्छी fellowship भी देते हैं आपको। सो दो राउंड में स्क्रीनिंग होगी। फर्स्ट राउंड में स्क्रीनिंग होगी आपके अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट मार्कशीट जो आप सबमिट करेंगे उसके बेसिस पे, और एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आने वाले हैं। और उसके बाद जो होगा सेकंड राउंड ऑफ स्क्रीनिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स टू द एसे क्वेश्चंस प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। सो एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, बिकॉज उसी के बेसिस पे सारी स्क्रीनिंग होने वाली है, और जिनका हाईएस्ट स्कोर आएगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 3 मंथ का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है और इंटेक कैपेसिटी मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स है, तो आप समझ चुके होंगे कितना रश होने वाला है इस इंटर्नशिप में, और सारे लोग इसको एनरोल जरूर करेंगे। फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मत सोचना कि कुछ दिन गए नहीं गए या पार्ट टाइम या ऑनलाइन मोड से हो गया, आपको जाके सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इसमें। अब करना क्या होगा, जो नोडल कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं उनके साथ आपको असाइन कर दिया जाएगा, एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द हेल्थ पॉलिसीज, हेल्थ कम्युनिकेशन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लाइक गुड फॉर योर सपोर्ट। सो बेस्ड ऑन द रिसर्च वर्क डन बाय द इंस्टीट्यूट, जहां पे भी आपको प्लेस किया जाएगा उसके बेसिस पे यू विल गेट अ सपोर्टिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट रिसर्च प्रोग्राम। ये बाद की बात है, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तब, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट should be an Indian citizen who are currently in a final year of undergraduate or enrolled in the postgraduate। मतलब अगर आप undergraduate में final year में हो BSc या कोई भी course में, तब भी आप apply कर सकते हो, या फिर आप post graduation में enroll हो चुके हो तब भी आप कर सकते हो। In communication and journalism courses and public health courses, ठीक है, from a recognized university, ठीक है, list दे रखी है, तो उसमें से भी देख लो कि आपका course इसके अंदर है कि नहीं। जो लोग अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं नॉट मोर देन 2 ईयर्स बिफोर द डेट ऑफ कमिसमेंट आर ऑल्सो एलिजिबल। अगर आपको 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो इसको अप्लाई मत करना, बट अगर आपने रिसेंटली कंप्लीट किया है और आप अभी फ्री हो, PhD में एडमिशन नहीं लिया है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोग हैं वो लोग जरूर करें, आप लोग एलिजिबल हो इसके लिए। अदरवाइज ऐसी इंटर्नशिप में यही होता है कि जो लोग कोर्स में एनरोल्ड हैं सिर्फ उन्हीं को लिया जाता है। Now the candidate who have completed undergraduates are required to at least 55% marks. ये तो basic है, I guess सभी का ये चीज होगा। 28 age से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, आपकी verbal और written communication skill बहुत अच्छी होनी चाहिए in order to execute this, because आपको वहाँ communication करना है, आपके communication skills बहुत strong हो जाएंगे अगर इस type की internship आपको मिलने वाली है। टर्मिनेशन छोड़ दो, टर्मिनेशन नहीं होगा, अगर आप अच्छे से काम करोगे तो कुछ भी कभी टर्मिनेशन नहीं होगा। द बेस्ट पार्ट इज दैट रिन्यूमरेशन इज 10,000 पर मंथ आपको मिलेगा, यानी 30,000 आपको मिल सकता है, और एक सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है खत्म होने के बाद फ्रॉम द ICMR। सो देखिए कोर्सेज देख लो कि कौन लोग इस कोर्सेज में अवेलेबल है इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए। BSc MSc BA जर्नलिज्म पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप डिप्लोमा भी कर रहे हो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। देखो जरूर करो, सारे लोग जितने भी आपके नोन हो उनको शेयर करो, अगर वो कम्युनिकेशन स्टडीज़ में हैं, मास मीडिया में हैं, पब्लिक हेल्थ में हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको अप्लाई करो। कुछ भी डाउट हो रहा हो तो मुझसे पूछ लेना, जिससे मैं आपको समझा दूँ। ये हिंदी में भी एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन को ज़रूर फिल करो, सिंपल सा फॉर्म है, इसको आप अप्लाई करोगे। क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देना,
और इसके बाद आपको ये चीज़ फिल करनी पड़ेगी अपना डिटेल सबमिट करके. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई कैन से इंटर्नशिप प्रोग्राम स्पेशली फॉर द हेल्थ कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स.